नमस्कार, बिल्डर्स की बदमाश कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। अपना घर बनाने का सपना सभी देखते हैं, लेकिन उन्हीं सपनों पर लुटेरे बिल्डर डाका डाल रहे हैं। तमाम संस्थाएं और प्राधिकरण सरकार ने बनाए, बावजूद इसके इंसाफ की उम्मीद धुंधली हो चुकी है। ऐसे में भारत समाचार आपकी आवाज बनेगा। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। हम ऐसे लुटेरे बिल्डर्स का पर्दाफाश करके आपको आगाह करेंगे। साथ ही जालसाज बिल्डर्स को हम जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देते, आपकी मुहिम के साथ जुड़े रहेंगे। तो बने रहिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, ताकि आपके साथ कोई बदमाश बिल्डर फ्रॉड न कर सके। बिल्डर्स जहां लोगों को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो वहीं लोगों का विकास करने के नाम पर जिस मेरठ विकास प्राधिकरण का गठन हुआ, वो भी लोगों को उजाड़ने को तैयार है। एमडीए मेरठ के पौश इलाके पांडव नगर में बने ईडब्ल्यूएस के मकानों को ध्वस्त करने पर उतारू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार ने मेरठ के पांडव नगर में गरीबों के लिए 1991 में ईडब्ल्यूएस मकान बनवाए थे। मकसद था गरीबों को आशियाना मुहैया कराना। सरकार का मकसद 25 साल पहले पूरा हुआ और गरीबों को सिर छुपाने के लिए छत मिल गई। लेकिन अब ये आशियाना मेरठ विकास प्राधिकरण इन गरीबों से छीनना चाहता है। प्राधिकरण के अफसरों ने नोएडा गाजियाबाद में बारिश से ढही बिल्डिंगों का खौफ रईस बिल्डरों को नहीं बल्कि गरीबों को दिखाया है। प्राधिकरण के अफसरों ने ऐलान किया है कि गरीबों के ये मकान जर्जर हो चुके हैं, अब ढहने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि गरीब अपना आशियाना छोड़कर भाग जाएं। प्राधिकरण ने अपना मंसूबा पूरा करने के लिए मकानों की दीवारों पर चेतावनी लिखवा दी है, जिससे गरीब परिवार खौफ में जी रहे हैं। पुराना मकान है, लगभग 3 दशक पुराना है और लोगों ने कब्जा के बाद मेंटेनेंस नहीं किया। जिन्होंने मेंटेन किया है मेंटेनेंस, तो उनके तो ठीक है, बट कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया है, उसकी स्थिति खराब हो गई है। तो उन्हें आगाह किया गया है कि ये बरसात है और ऐसी स्थिति में मकान की हालत अगर ठीक नहीं है तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, ताकि कोई जान की हानि ना हो। सर, उसके लिए क्या नोटिस जारी किया है या कोई कार्रवाई करा है? हाँ, उन्हें रिटर्न में अवगत कराया गया है इस तथ्य से। करा रहे ये तो उसको कि बिल्डोजर चला दें, हम यह कर दें, हम कहाँ जाएंगे अब? आप बताइए, हम तो काम भी यही करते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? 20-22 साल हो गए। अमूमन प्राधिकरण जिन मकानों का निर्माण कराता है, उनकी उम्र 60 से 80 साल तक होती है, लेकिन इन मकानों का एकाएक कागजों में जर्जर हो जाना समझ से बाहर है। सवाल ये भी है कि अगर मकान जर्जर हुए तो इन मकानों का निर्माण कराने वाले अफसर और निर्माण कंपनी की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की गई? इस सवाल का जवाब भारत समाचार ने तलाशा तो प्राधिकरण के अफसरों की साजिश का खुलासा हुआ। प्राधिकरण के अफसर इस जमीन के जरिए अब खुद को और अपने नजदीकी बिल्डरों को मालामाल करने की फिराक में हैं, और इसी मंशा से मकानों के जर्जर हो जाने और उनके ढहने की आशंका की अफवाह फैलाई गई है। मगर अपना आशियाना लिए रह रहे गरीब किसी भी सूरत में इस जमीन पर से अपना स्वामित्व और कब्जा नहीं छोड़ना चाहते हैं। 22 साल से रह रहे हैं, हमें दिक्कतें आ रही है। एमडीओ वाले आ रहे, कह रहे कॉलोनी गिर जाएगी और आप इन्हें खाली कर दो, अगर खाली नहीं करेंगे तो आप जिम्मेदार हैं खुद। तो सर, हम कहाँ जाएं बताओ, 22 साल हो गए हमें इधर रहते हुए। ये एमडी वालों ने ही बनाए, हमने खरीदे हैं एमडी वालों से। सर, पता नहीं क्या करना चाहते हैं कि निकल जाएं धोखे से, फिर हमें कुछ नहीं देंगे और हम निकलेंगे नहीं, चाहे हम दब जाएं इसके नीचे। हमने पैसा लगा रखा है, अगर हमें निकालना है तो कहीं हमें दूसरी जगह दे दें रहने के लिए। जब इधर मकान बन जाएंगे फिर हम इधर ही मकान चाहिए हमें। तो ईडब्ल्यूएस कॉलोनी से सटी हुई बेशकीमती जमीन पर एमडीए पिछले कई सालों से मुकदमा लड़ रहा था, लेकिन अब अदालत ने उसके फेवर में फैसला दे दिया है। इस बेशकीमती जमीन पर एमडीए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है और इसके लिए अब गरीब लोगों में ये दहशत फैलाई जा रही है कि मकान गिरने वाले हैं, जिससे कि वो मकान छोड़कर भाग जाएं और एमडीए के अफसरों की मंशा पूरी हो जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। बेईमान बिल्डर आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि डर्टी गेम खेल रहा है वो। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के सभी डायरेक्टर्स के खाते भी फ्रीज करने का आदेश जारी किया। ये रिपोर्ट देखें। आम्रपाली पर सुप्रीम हंटर, बेईमान बिल्डर आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को लेकर लगाई कड़ी फटकार।
निवेशकों के साथ डर्टी गेम खेल रहा आम्रपाली। आम्रपाली की सभी कंपनियों के अकाउंट किए फ्रीज। आम्रपाली के निदेशकों के भी बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए। सभी कंपनियों निदेशकों की संपत्ति भी अटैच। नोएडा ग्रेटर नोएडा के धूर्त बिल्डर आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को लेकर तीखी टिप्पणी की और कहा कि वो निवेशकों के साथ डर्टी गेम खेल रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही इस बेईमान बिल्डर की कंपनियों के जितने भी निदेशक हैं, उनके बैंक खातों को भी फ्रीज करने के साथ ही संपत्ति को भी अटैच कर दिया है। एक एडवर्टीजमेंट देना कोर्ट के बिना परमिशन के, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होना, ये कोर्ट का बहुत सीरियस कंटेम्प्ट है। और इस कंटेम्प्ट को देखते हुए कोर्ट ने कल 2 बजे एक इमरजेंसी हियरिंग रखी है, एनबीसीसी चेयरमैन को बुलाया है और जो आम्रपाली के जो डायरेक्टर्स हैं उन सबको प्रेजेंट होने कहा है। आम्रपाली पर सुप्रीम हंटर, सभी निदेशकों की निजी संपत्ति जब्त करने का आदेश। एनबीसीसी के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब। आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव भी हाजिर होंगे। बेईमान अनिल शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। ग्रुप के सभी डायरेक्टर के पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स मांगे। फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा कि आम्रपाली हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय के सचिव को भी समन जारी किया है और एनबीसीसी के अध्यक्ष को भी पेश होने का आदेश दिया। जो आदेश पारित किए हैं कि आम्रपाली की छत्रछाया में करीबन 40 कंपनियां हैं, उनके सारे अकाउंट्स कोर्ट ने फ्रीज कर दिए। 40 कंपनियों की डिटेल्स, उनके डायरेक्टर्स की डिटेल्स, उनके 10 साल के 2008 से लेकर अभी तक के जो भी बैलेंस शीट और अकाउंट्स हैं उनकी कॉपी कोर्ट ने मांगी है और उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी पे कोर्ट ने रोक लगा दिया। इनकी पासपोर्ट या देश से बाहर जाने पर तो कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी। तो आज कोर्ट ने अपना जो गुस्सा है या क्रोध है दोनों एनबीसीसी के ऊपर और आम्रपाली के ऊपर जाहिर किया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को फटकार लगाई हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रमोटर्स को निर्देश दिया था कि वो देश छोड़कर कहीं ना जाएं। साथ ही 2008 से लेकर तब तक के अपने प्रोजेक्ट्स की विस्तृत वित्तीय जानकारी देने को भी कहा था, लेकिन आम्रपाली ग्रुप का चेयरमैन अनिल शर्मा निवेशकों की गाढ़ी कमाई पर अपनी काली नजर लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। शाहवेरी में 9 लोगों की मौत के बाद नोएडा के बिल्डर्स के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश जारी हुए, लेकिन गाजियाबाद के डासना में 2 लोगों की मौत के बाद भी अफसर बस सीलिंग पर सीलिंग खेलने लगे हैं। ना किसी के खिलाफ एफआईआर और ना ही कोई गिरफ्तारी। ये रिपोर्ट देखें। शाहवेरी मामले में 9 लोगों की मौत, 19 बिल्डर्स पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। गाजियाबाद के डासना में 2 लोगों की मौत, सीलिंग से मामले को सील करने की कवायद। लीपापोती में पीएचडी कर रखी है अफसरों ने। शाहबेरी की वो रात कोई भूल नहीं सकता जब भरभराकर 2 बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन जागा और 19 मौत के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। गाजियाबाद के टासना में एक मौत की इमारत ने 2 लोगों को ढस लिया और मौत की नींद सुला दिया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लगा कि शायद गाजियाबाद के अफसरों की भी गैरत जागेगी, वो भी अपने लालच के लिए मौत की इमारत खड़ी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर कर दिया गया कि बिल्डिंग की सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी। सैकड़ों बिल्डर्स की मौत की इमारतों पर सरकारी ठप्पा लगा दिया कि अब ये इमारतें जैसी हैं वैसी ही उस स्थिति में खड़ी रहेंगी, लेकिन अपने लाडले अफसरों पर और उन अफसरों के दुलारे बिल्डर्स पर कार्रवाई के नाम पर नौटंकी की जा रही है।
जानते हैं आप, सरकारी कलम बड़ी भारी होती है, यही कुछ टन दो टन की। यही वजह है कि जब गाजियाबाद के अफसरों ने कार्रवाई के लिए कलम उठाई तो सबसे आसान शब्द लगा सीलिंग, तो वही लिख दिया और आदेश जारी कर दिया। अब उसी दो टन की कलम से तीन शब्द सीलिंग की जगह 4.5 शब्द गैंगस्टर कैसे लिखते, तो इन अफसरों के हाथ नहीं दुख जाते, हाथ में मोच नहीं आ जाती। आपको क्या लगता है, 2-4 मौतों के एवज में अफसर अपने हाथों को तकलीफ देंगे, अपने हाथ को मोच का शिकार करवा लेंगे? अगर ये सब कर दिया तो उनको कौन बेगैरत कहेगा, कौन कहेगा कि अफसरों ने अपना ईमान इन बिल्डर्स के चरणों में रख दिया है और मौत की इमारतों में इनकी भी हिस्सेदारी है। इन्हीं लोगों की इजाजत के साथ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बिल्डिंग्स खड़ी की गई। अपने इस निकम्मेपन के टाइटल को बचाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं गाजियाबाद के अफसर। इसलिए नहीं की कार्रवाई तो नहीं की, हो तो रही है सीले की कार्रवाई, इतने से खुश नहीं हो क्या? अब क्या सोचते हो, जिन बिल्डिंग के एवज में मोटी रकम हजम कर गए गाजियाबाद के अफसर, उनको ढहा दिया जाए, बिल्डर्स पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए? नमक हलाली भी कोई चीज होती है या नहीं? हाँ, वो बात अलग है कि जब दो मौतों के मामले को लोग भूल जाएंगे तो जाकर देख लीजिएगा, सरकारी सील जो मौत की इमारतों पर लगी हुई है वो खुद पर खुद खुल जाएगी। बिल्डर्स पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं, कार्रवाई के नाम पर शुरू हुई नौटंकी, FIR नहीं गिरफ्तारी नहीं, बस सीलिंग की कार्रवाई करते हैं अफसर। बिल्डर्स के आगे कांपते हैं थर थर, लेकिन अपनी गैरत और जमीर को जगाकर गाजियाबाद के अफसरों ने बिल्डर्स पर FIR दर्ज कर भी दी या फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी तो उनके लाडले जेल चले जाएंगे, और जेल की सलाखों के पीछे चले गए तो इन अफसरों की एक्स्ट्रा इनकम का क्या होगा? और बात रही गाजियाबाद के उन निकम्मे अफसरों पर कार्रवाई करने की जिनकी शह पर लगातार गाजियाबाद की जमीन पर मौत की इमारतें उगती चली गई, तो याद कर लीजिएगा वो गाना जिसमें बहुत पहले ही इन अफसरों की करनी को उजागर कर दिया गया था कि मेरा कातिल ही जब मेरा मुंसिफ है तो क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो इन अफसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, ये चाहकर भी निवेशकों के सगे नहीं हो सकते। हाँ, इनकी गैरत का सही दाम लगा दीजिए तो अभी बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। लगा पाएंगे आप? नोएडा के साबेरी में भी बिल्डिंग गिरी और गाजियाबाद के आकाश नगर में भी। इन दोनों ही तस्वीरों में सब कुछ एक सा था, लेकिन जो तस्वीरें बाद में सामने आई हैं वो काफ़ी अलग हैं। गौतम बुद्ध नगर के DM ने सभी बिल्डर्स पर गैंगस्टर के साथ साथ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं, खासकर उन बिल्डर्स पर जिन्होंने साबेरी इलाके के अंदर अवैध निर्माण किए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछले एक हफ्ते में गाजियाबाद में 200 से ज़्यादा बिल्डिंग सील की जा चुकी हैं, लेकिन हैरानी यह है कि केवल जो बिल्डिंग गिरी थी उनको छोड़ दिया जाए तो किसी के खिलाफ FIR तक नहीं की गई है। सवाल यह है कि जब नोएडा और गाजियाबाद की विकास की और यहाँ पर अवैध पनप रहे अवैध बिल्डर्स की तस्वीरें एक सी हैं तो फिर कार्रवाई अलग अलग क्यों? सवाल ये भी है कि क्या DM गाजियाबाद इस तरह से अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर्स पर FIR के आदेश कराती हैं या नहीं, ये देखना अब दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। और फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशील अंसल ने लखनऊ की जमीन पर लूट की पूरी अनंत कथा लिख दी, जिसमें LDA के अधिकारियों ने भी पूरा उसका साथ दिया, लेकिन विधानसभा समिति के आगे जब LDA के अफसर हुए हाजिर तो बन गई उनकी घिघी। ये रिपोर्ट देखिए। सुशील अंसल निकला होनहार चेला, गुरु घंटालों के दम पर बना लुटेरा नंबर 1। अंसल के गुरु LDA के अफसर परेशान, विधानसभा समिति ने तलब किया गुरु घंटालों को, सवालों पर सवाल ताकती चली गई समिति, LDA अफसर की बंद गई गिग्गी। लूट के कारोबार में PhD कर चुके सुशील अंसल ने अपने इस हुनर और अपनी इस डिग्री को सबसे छिपा कर रखा था, लेकिन कहते हैं ना सच छिपता नहीं, तो जो सच छिपा रहा था सुशील अंसल वो छप गया विधानसभा समिति की रिपोर्ट में। बिंदुवार तरीके से बताया गया है कि कितना हुनरमंद है सुशील अंसल। अगर किसी के दिल और दिमाग में जेब कतरों को टिप्स देने वाली यूनिवर्सिटी बनाने का आइडिया आ गया तो यकीनन ये सुशील अंसल ही उनका VC होगा।
अरे भाई, आखिरकार इस अंसल ने अपनी घनघोर मक्कारी का परिचय जो दिया है। एलडीए ने अपने ही इस होनहार लुच्चे चेले को चोर से लुटेरा बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है और उसने लखनऊ के हजारों निवेशकों को लूटकर एक अच्छा और सच्चा डकैत खुद को साबित भी किया है। लेकिन हमने पहले ही बताया कि सच कहां छिपता है। जब निवेशकों की चीख विधानसभा के गलियारों तक पहुंची तो विधानसभा की 5 सदस्य इस उपसमिति को बना दिया गया। समिति ने सबसे पहले तो वो पैमाना ढूंढा जिससे इसके काले कारनामों को नापा जाए, मतलब कि इसे चोर कहें, लुटेरा कहें या फिर डकैत। लेकिन मक्कारी नापने के सारे पैमाने और रिकॉर्ड तोड़ दिए सुशील अंसल ने। अंसल एपीआई ने वाकई विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल समिति ने सुशील अंसल के कुकर्मों पर जांच शुरू की तो इस होनहार चेले के गुरुओं का दिव्य आशीर्वाद का पता चला कि किस तरह से एलडीए ने लगातार इस पर आशीर्वाद बनाए रखा। बिना जमीन के भूखंड बेच दिए, बिना किसी सुविधा के भी आवाज बेचता चला गया, जिसके बाद अधिकारियों को बुलावा भेजा कि आओ आओ, अपनी उच्च से सर्वोच्च शिक्षा का सागर हमारे सामने भी बहाओ। जैसे ही एलडीए के अफसर समिति के सामने प्रेजेंटेशन देने पहुंचे, मानो उनके ज्ञान और जुबान दोनों को वायरस मार गया। एक सवाल का जवाब पूरा होता तब तक दूसरा सवाल दाग दिया जाता, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, सवाल पर सवाल दागे गए। अंसल एपीआई पर मेहरबानी क्यों की गई? बिना जमीन के कैसे खड़ा हुआ प्रोजेक्ट? जब जमीन नहीं तो भूखंड कैसे बेचा? गरीबों की जमीन अंसल ने कैसे बेची? ईडब्ल्यूएस मकानों की जमीन को कैसे बेचा? सिक्योरिटी के लिए रखी जमीन का सौदा कैसे किया? अपने प्यारे और लाडले पर जो प्यार साल दर साल एलडीए ने बरसाया था, उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। कई सवाल, लेकिन जवाब कहां से लाते वो? क्योंकि एलडीए के होनहार चेले सुशील अंसल ने अपनी लुच्चाई का कमाल निवेशकों पर ही नहीं दिखाया, बल्कि आसपास की जमीनों के साथ साथ गरीबों के लिए बने ईडब्ल्यूएस की जमीनों और जो जमीन एलडीए के पास सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी उस पर भी दिखा दिया, यानी सब कुछ बेच दिया और निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़प लिए। फिलहाल अंसल के धूर्त गुरुओं की अग्नि परीक्षा 8 अगस्त को फिर होनी है, जिसकी तैयारी करने को कह दिया गया है कि गुरु घंटालों उन तमाम फॉर्मूलों के साथ 8 अगस्त को मिलना जिनको रट रट कर अंसल ने करोड़ों लूट लिए। क्योंकि जिस सुशील अंसल ने अंसल एपीआई के नाम से 1765 एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीति का परिचय देते हुए 4450 एकड़ पर अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। साथ ही सुविधाओं के नाम पर बायर्स को धोखे पर धोखे दिए, मानकों को धता बताते हुए निर्माण करता चला गया। न सीवर, न रोड, मतलब कि कुछ नहीं। अगर कुछ है तो धोखा, मक्कारी, जालसाजी, जो सुशील अंसल के रग रग में समाई हुई है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से सीमा नकवी की रिपोर्ट। पहले बिल्डर्स ने आशियाने के नाम पर लूटा, फिर मेंटेनेंस के नाम पर लूटा, लेकिन अब इन बिल्डर्स ने लूट का एक नया तरीका ऐसा किया। देखिए सुपरटेक और अजनारा का रेजिडेंट को लूटने का ये नया प्लान। कहा था ना सुपरटेक सुपर लुटेरा है, कहा था ना अजनारा अजगर है। लूट का नया प्लान बनाया है दोनों ने। होम बायर्स की जेब पर डाली डकैती, बिजली के नाम पर लगाया शॉक। सुपरटेक का कैपटाउन अजनारा का ग्रैंड हेरिटेज कैसा है? नहीं नहीं, बोली बोली कैसा? दिखने में बेहद खूबसूरत है ना। नोएडा के सेक्टर 74 में बने ये प्रोजेक्ट वाकई देखने में लाजवाब है, मतलब पूछो ही मत। और ज्यादा ही पूछने का मन है तो पूछ कर देखो यहाँ रहने वालों से, वो आपको सुपरटेक के मालिक और अजनारा के मालिकों के कई उपनाम बताएंगे, जैसे कि दोनों के दोनों चोर हैं, लुच्चे हैं, डकैत हैं। जी हाँ, डकैत। आप भी सोच रहे होंगे चोर जक्का तो ठीक है, लेकिन डकैत कैसे? वो चंबल में हुआ करते हैं, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों की जोरदार फरमाइश और आशीर्वाद से डकैतों का भी उद्धार हुआ है। वो चंबल की गलियों को छोड़कर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आकर बस गए। बस क्या गए, लूट लिया सबको। गजब की धोखाधड़ी का प्लान बनाया और फिर उस प्लान में जो एक बार फंसता चला गया वो तो समझो गया।
पहली बात तो ये कि निकम्मा सुपरटेक बिल्डर और अजगर अजनारा रकम हजम कर जाते हैं और आशियाना नहीं देते, और दे भी दिया तो खेल बड़ा गजब का है। इसी बिल्डिंग की चार दीवारी के भीतर वसूली का खेल खेला जाता है। इनका प्लान सुनकर आप भी कहेंगे कि इनको बिल्डर किसने बना दिया, ये तो वसूली भाई हैं, वसूली भाई। दरअसल अजनारा और सुपरटेक दोनों अलग अलग बिल्डर हैं, लेकिन दोनों की फितरत एक जैसी है, लूटने की। सुपरटेक के कैपटाउन में लूट, अजनारा करता है वसूली का धंधा, बिजली होने पर भी चला देता है जनरेटर, जनरेटर की बिजली से वसूलता है 22 रुपए प्रति यूनिट, बिजली के दाम 7 रुपए यूनिट है। जनरेटर चलाकर लोगों को लूट रहा अजनारा, डीजी के नाम पर लोगों से वसूली करता है सुपरटेक। अजनारा और सुपरटेक का खेल बड़ा गजब का है। दरअसल ग्रेटर नोएडा, नोएडा में बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उन इमारतों में कई फ्लैट हैं। हमारे यहाँ जब बिजली चली जाती है तो हम पड़ोसी से पता कर लेते हैं कि उसके यहाँ भी बिजली आ रही है या नहीं, लेकिन जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजली जाती है तो पूरी इमारत की जाती है, यानी कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। और उसी गम पर मरहम लगाने के नाम पर लूट का व्यापार कर रहे अजनारा और सुपरटेक। दरअसल बिजली की सामान्य दर 7 रुपए से लेकर 8 रुपए प्रति यूनिट है, लेकिन ये दर जब बत्तर बिल्डर अजनारा और सुपरटेक वसूलेंगे तो उनका कैसे फायदा, क्योंकि अब उनसे नया कोई व्यक्ति लूटने को तैयार नहीं, उनके सारे प्रोजेक्ट्स की पोल खुल चुकी है। ऐसे में जो पहले से ही उनकी लूट की इमारतों में रह रहे हैं उनको बिना चाकू बिना बंदूक दिखाए उनकी मजबूरी का फायदा उठाए लूटा जा रहा है। दरअसल बिजली आ रही होती है फिर भी ये लुटेरे बिल्डर सुपरटेक कैपटाउन और अजनारा ग्रैंड हेरिटेज बिजली काट देते हैं। फिर लोगों की डिमांड पर जनरेटर शुरू किया जाता है तो जनरेटर शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एक घंटे दो घंटे तीन घंटे नहीं बल्कि 40-40 घंटे तक जनरेटर चलाया जाता है, जबकि सेक्टर 74 में बिजली उस वक्त आ रही होती है। फिर भी जनरेटर के सारे एक दिन में लाखों वसूले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है इसकी शिकायत किसी से की नहीं गई, लेकिन उसके बाद भी इन लुटेरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन पर कार्रवाई करेगा कौन? वही पुलिस जो इनके आगे नतमस्तक है, वो प्राधिकरण जिनके अफसरों की शह पर ये डकैत नोएडा को लूटते चले गए। सभी अधिकारियों ने अपनी गैरत बेच रखी है। नोएडा के बिल्डरों का नारा है कि बायर्स की जेब पे हक सिर्फ हमारा है। सबूत आपके सामने, किस तरीके से मेंटेनेंस के नाम पर पहले सुपरटेक और अजनारा ने आम बायर्स को लूटा, तो अब बिजली के नाम पर इन लोगों को लूटा जा रहा है। बाकायदा जनरेटर चलाकर 22 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर वसूली जा रही है। इसमें सिर्फ बिल्डर ही नहीं, कहीं ना कहीं बिजली विभाग भी शामिल है। जब कटौती नहीं तो जनरेटर का क्या काम है? सवाल प्राधिकरण पर भी उठता है कि इतनी शिकायतें करी गईं उसके बावजूद भी आखिर प्राधिकरण ने लगाम क्यों नहीं लगाई इन बेईमान बिल्डरों पर। फिलहाल लोग 22 रुपए प्रति यूनिट देने को मजबूर हैं। देखना होगा कि आखिर सोती हुई प्राधिकरण कब जागेगी और कब लगाम लगाएगी ऐसे बेईमान बिल्डरों पर। कैमरामैन सैफ के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा।